दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि खाने में आपको क्या पसंद है तो आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डिशेस का नाम बताएंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ देशों में मकड़ी को भी खाया जाता है तो कुछ देशों में लाल चींटी का चटनी बनाकर खाया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से देशों में ये अजीबोगरीब भोजन का उपयोग किया जाता है। इसराइल में टिड्डियों को, बारिश होते ही टिड्डियों का आतंक हमें परेशान करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसराइल में इन टिड्डियों को बड़े ही चाव से खाया जाता है। इसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। आपको इसराइल के मेन्यू में ये जरूर शामिल दिखेगा। लाओस में चींटियों के अंडों का सूप, चींटी देखते जहां हम और आप भागने लगते हैं, वही लाओस के लोग इसके अंडों का सूप पीते हैं। इतना ही नहीं, यह एक लोकप्रिय डिश भी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नाम से एक फूड टूरिस्ट ने एक किताब भी लिखी थी। कंबोडिया में मकड़ी को खाया जाता है। यह 8 पैरों वाली बड़ी मकड़ी कितनी डरावनी लगती है, लेकिन कंबोडिया के स्थानीय लोगों को यह मकड़ी बहुत ज्यादा खाने के रूप में पसंद आता है। यहाँ के लोग ने इस मकड़ी को फ्राई करके बहुत ही मजे से खाते हैं। भारत में लाल चींटी की चटनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लाल चींटी की चटनी को खाई जाती है। इसे वहाँ के लोग काई चटनी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के साथ साथ इसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी खाया जाता है। चाइना में सुअर का मांस। इसमें चाइना पीछे कैसे रह सकता है दोस्तों? चीन एक ऐसा देश है जहां के लोग स्वाद के लिए हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, चीन में सुअर का मांस बड़ा ही प्रसिद्ध है। वहां सुअर के मांस को बड़ा ही चाव से खाया जाता है। सुअर के साथ साथ कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को भी खाता है। वियतनाम में सांप से बनी शराब को पिया जाता है। वियतनाम जो कि अपने समुद्र तटों, नदियों और हलचल वाले शहरों के लिए जाना जाता है, वही वियतनाम एक अलग प्रकार की शराब के लिए भी लोकप्रिय है। इस शराब को सांपों से तैयार किया जाता है और इसे स्नेक वाइन के नाम से जाना जाता है। यह जो शराब होता है इसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंडोनेशिया में मलमूत्र से बनी कॉफी को पिया जाता है। इंडोनेशिया में एक तरह की कॉफी को तैयार किया जाता है जो कि एक जानवर के मल से बनती है, जिसे लुआक कहा जाता है। लुआक केवल पकी हुई कॉफी की चेरी को खाती है, लेकिन उनका पेट इसे अपने अंदर नहीं पचा पाता है, जिसके कारण यह बीन्स बनकर उनके अंदर से बाहर निकल जाता है।